श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 बोल राधा गोपीनाथ जो की। हम लोग ने गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी जिस मंदिर में हम पहुंचे हैं ये मंदिर राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है। लेकिन यहाँ पर श्री राधा गोपीनाथ जी कैसे आए कि जिस समय श्री और एकदम बात मत कर सको जिस समय श्री औरंगजेब ने आक्रमण किया हमारी हिंदू मंदिर को तोड़ रहा था उस समय राजा मान सिंह ने सारे ठाकुरों को वृंदावन से ले गए जयपुर ले गए। जब ले गए तब उन्होंने ठाकुर का लाल आकर बीच बीच में पड़ाव रखा था कुछ दिन तक रहे। इसलिए ठाकुर जी को कुछ दिन पर यहीं पर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन कुछ दिन तक यहीं पर रुके। वृंदावन तो रुक गई और यहीं पर चुके कुछ दिन तक रुके थे इसलिए परवर्ती समय में गोपीनाथ जी यहीं पर रुके थे। बाद में ये मंदिर गोपीनाथ जी का मंदिर बनाया। बोले ये गोपीनाथ कौन है कहती गौड़ीय वैष्णव में तीन ठाकुर हैं। कौन कौन है गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। बोले गोविंद देव कौन बोले हमारे अभिदय का आचार्य। बोले श्री मदन मोहन कौन बोले ये हमारे संबंध का आचार्य। बोले गोपीनाथ जी कौन है हमारी ये प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब क्या है प्रयोजन मतलब होता है हमारे जीवन का लक्ष्य कौन है कहते गोपीनाथ ही हमारे लक्ष्य। बोले क्यों कारण क्या है बोले कारण बताए ये गोपियों का नाथ है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना अहम बरनी न चतुर्यपति न बनस्त जतिरिवा किंतु प्रदीम्न परमानंद पूर्ण मृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासन दास। महाप्रभु स्वयं कहते हैं मैं ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं बर्णी नहीं हम कौन हैं। बोले गोपियों का जो भर्ता जो गोपीनाथ है कहते इनके दासों के दासों का दासों का दास है। बोले भैया गोपीनाथ का दास बनने से क्या होता है ये क्यों कारण क्या। बोले कारण ही कहते ये यद्यपि कृष्ण को सबों ने भजन किया है उनको दास रस का भक्त उनको दास रस में भक्ति किया इनकी सख्य रस का भक्त सख्य रस में बात्सल्य रस का बात्सल्य रस में मधुर रस का भक्त मधुर रस में। इसलिए मधुर रस में कृष्ण भक्ति किया बोले गोपियों ने भक्ति किया। यद्यपि सभी का भक्ति भक्ति है अपना अपना स्तर पर भक्ति है लेकिन ये अगर उसको मुक्त प्रग्रह वृत्ति में अगर दिखा जाए मुक्त प्रग्रह जानते हो मतलब जब एक घोड़ा को खोल दिया जाए ना वो घोड़ा जितना दूर तक अपने ताकत लगा करके भाग सकता है और जहाँ चलते चलते जहाँ पर थम जाए चलते चलते जहाँ पर रुक जाए हैं तब। इसलिए उसी तरह यद्यपि कृष्ण को भक्ति सब लोगों ने किया है लेकिन गोपियों ने जैसे भक्ति किया है ना उनका भक्ति किसी ने भी उनको नहीं किया है। बोले कारण इसका एक कारण है देखो उसका ये है इसी जगत में देखना एक व्यक्ति का दोस्त तब कब तक रहते हैं जब तक शादी नहीं हो जाता। शादी हो जाए ना वो व्यक्ति अपना दोस्त को भी भूल जाता है। माँ को कब तक याद करते हैं जब तक उसकी शादी नहीं हो जाए। जो माँ मातृगर्भ है उनको है 9 महीना में धारण किया मुँह की खाना निकाल कर दिया गिल्ली में सो करके सुखा में सुलाया कब तक ये बेटा अपना है बोले जब तक घर में पत्नी नहीं आती बीवी नहीं आती। एक रात में एक मंत्र एक कान में एक मंत्र ऐसे देती है दूसरे दिन देखना बेटा का बुद्धि बदल जाती है। इतना दिन सखा माँ और सब सब भूल जाते बोले यहाँ पर बताया भैया कारण क्या है इसका रहस्य क्या। बोले रहस्य ये है कहते एक स्त्री को अंदर में ना ये सारी चीज इसके अंदर में एक सखा की भावना भी स्त्री को अंदर में सखा जैसे सख्य रस प्रदान करता है इधर इधर। इसलिए कहते वो सखा से जो सख्य रस है कहते पत्नी से सख्य रस भी मिलता है हैं। और जो दासी की भावना पत्नी क्या करती है पति की कपड़ा धो देती है खाना बनाती है इनको कपड़ा प्रेस कर देती है उनको सज्जा बिछा देखिए दासी का जो भावना है ना ये पत्नी के अंदर में देखना का दासी का भावना भी है। और एक अंदर में जैसे माँ जैसे बच्चे की सेवा करती है देखना ये भी ऐसे सेवा करता है। और पत्नी की जो एक भावना पति का प्रति वो पत्नी की भावना तो है ही है उसको अंदर में। इसलिए कहते हैं कि पत्नी को अंदर में स्त्री को अंदर में ये सारे रस इसको अंदर विद्यमान। इसलिए पति को इतने बसीभूत हो जाता है पति हैं कहते सत पत्नी जता भगवान खुद कहते हैं जैसे कि पति व्रता नारी पति की सेवा करते करते जैसे पति को संपूर्ण बसीभूत कर देता है
भक्त मेरे को ऐसे ही वसीभूत कर देते उत्तम प्रभु इधर इसलिए कदि ये इसलिए कृष्ण सब जगह में अपना की प्रतिज्ञा को सब जगह में उन्होंने प्रतिज्ञा की जय यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम जो जैसे मेरे को भजन करता है मैं वैसे भजन करता हूँ। लेकिन जब उन्होंने गोपियों को पास में आई ना गोपियों की जो त्याग उन्होंने देखा केवल कृष्ण को वहीं पर झुकना पड़ गया न पार है अहम निरभद सजुचा हे ब्रज गोपियाँ जैसे ब्रह्मा जैसे परमा लेकर के भी मैं कभी तुम्हारी ऋणियों को चुका नहीं पाऊंगा क्यों तुम लोगों ने मेरे लिए जो त्याग दिया है ना मेरे लिए पति पुत्र भाई बंधु सबको तुम लोगों ने ठोकर मार दिया है मेरे सामने सबको। इसलिए उनका रति तीन तरह का बताया एक है साधारण रति दूसरा है सामंजस्य और तीसरा है समर्था। मतलब साधारण रति किसके अंदर मिले कुब्जा को अंदर में मतलब कृष्णा को जब कुब्जा जब कृष्ण को मिले ना उनको कपड़ा पकड़ के अपना घर में चल हमारे घर में ये जौवन तुमने दिया है जौवन तुम ही भोग कर सकते हो। लेकिन कहते जो महिषियों का जो रति सामंजस्य सामंजस्य मतलब क्या है कुछ प्रेम तो अपना बच्चों का प्रति और कुछ पति में। देखना जब शादी होकर बच्चे हो जाते हैं ना जब तक बच्चे नहीं होता है पत्नी क्या करती है सारे एनर्जी पति में देती है। लेकिन जब बच्चा हो जाए ना वो एनर्जी क्या होता है वो बच्चे में आधा हो जाती है बच्चे में चली जाती है और आधा पति में हो जाता है और दो चार बच्चे हो जाते हैं पति को भूल जाता है समझो इसलिए इनका कर्त प्रेम इनका समर्थ सामंजस्य। लेकिन जब समर्था रहती गोपियों का कोई और है नहीं एक कृष्ण सेवाए इनकी और कोई है ही नहीं मतलब एक पैंट में केवल कृष्ण को ही प्रेम करते हैं। इसलिए जिस प्रेम में संपूर्ण रूप में कृष्ण वसूल हो जाते हैं इसलिए कि जो गोपीनाथ है गोपीनाथ मतलब गोपियों का जो नाथ है गोपीनाथ। इसलिए बोले श्रीमान रास रसा रमणी हंसी भट तटस्थित कर्षण बेन सुनेर गोपी गोपीनाथ श्री अस्तुम। क्यों गोपियों का नाथ का सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण बंसी ध्वनि को तरह गोपियों का मन को उन्होंने आकर्षण किया है। बंसी भट को नीचे गोपी मतलब क्या गो मतलब होता है इंद्रिया किसको नहीं कथा हो गो मतलब होता है इंद्रिया तुम लोग बुद्धि भ्रष्ट है। इसलिए गो मतलब होता है इंद्रिया पी मतलब होता है पीना मतलब अपना इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो नित्य निरंतर पान करती है ये गोपी है। गोप मतलब होता है पालने गोप मतलब होता है रक्षणे जिन्होंने अपना सारे इंद्रियों को देकर कृष्ण इंद्रियों को जिन्होंने भरण पोषण किया जिस कृष्ण इंद्रियों को जिसने प्रीति विधान किया है इसलिए इनका नाम गोपी है। इसलिए जिनको साथ में कृष्ण सर्वश्रेष्ठ लीला कौन सा लीला भगवान की जय जय रासलीला सर्वमंगलम। रासलीला में किसको प्रवेश है केवल इनका ही प्रवेश और किसी का प्रवेश नहीं। इसलिए हमारा जो प्रयोजन देवता है ये गोपीनाथ प्रयोजन है। सब जगह में राधा रानी को आप बाम तरफ में देखोगे लेकिन यहाँ राधा रानी यहाँ पर राधा रानी डांड तरफ में और श्री अनंग मंजरी उनकी बाम तरफ में। बोले अनंग मंजरी कौन है राधा रानी की छोटी बहन ये कभी खूब सेवा की राधा रानी। जब राधा रानी संतुष्ट हो गई बोले वर मांगो बोले मैं चाहता हूँ कृष्ण का बाम पास में मेरे को स्थान देना। बोले जब कलि युग आऊंगा मैं डांड पास में चली जाऊंगी और तुम्हें मैं बाम पास में प्रदान कर दूंगी। इसलिए हर मंदिर में देखोगे श्री जानवा ठाकुरानी को उनकी बाम पास में श्री अनंग मंजरी को बाम पास में देखो। हमारी उत्तम प्रभु जी इधर घुमा दो ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम ब्रजमंडल परिक्रमा करते हुए जिस स्थान पर पहुँचे हुए हैं यह काम्यक वन के अंतर्गत श्री गोपीनाथ जी अभी पूज्यपाद महाराज श्री गोपीनाथ जी की महिमा सुंदर के हमारे प्रयोजन आदिदेव हैं। हमारा जो प्रयोजन है हमारा जो पंचम पुरुषार्थ है वो इन्हीं के चरणों में है। गोपियों के नाथ बन करके वो गोपीनाथ कहलाते हैं और गुरु जी बताते हैं गोपियाँ जिनका नाथ हैं वो गोपीनाथ हैं अर्थात जिन्होंने गोपियों की सर्वत्व भाव से उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हैं अपने प्रेम के द्वारा कृष्ण को रिझाते हैं कृष्ण को वशीभूत करते हैं परंतु वही कृष्ण इन गोपियों की सौंदर्य माधुर्य उनकी सेवा पराकाष्ठ के द्वारा खुद यहाँ पर वशीभूत होकर के उनकी सेवा करते हैं। हमारा संबंध देव मदन मोहन है
अभिदेहादि देव हैं गोविंद देव और वैद्यनादि देव हैं गोपीनाथ। संबंध के रूप में मदन मोहन अपने रूप के द्वारा सभी को अपने ओर आकर्षित करते हैं। उनके प्रणाम मंत्र में जो मदन मोहन जी के वो हमारे सर्वस्व हैं, श्री राधा मदन मोहन गोविंद देव जी, वो अपने रूप के द्वारा साधकों की सेवा को स्वीकार करते हैं। श्रीमान वो जो गोविंद देव जी के प्रणाम मंत्र में जो कहा गया, वृंदारण्य कल्पद्रुमाधव श्रीमद रत्नागार सिंह समस्तो श्री श्री राधा शिल गोविंद देवो पृष्ठाली सिद्ध मानव स्मरण, जो गोपियों के द्वारा सेवित होते हैं उन गोविंद देव को हम स्मरण करते हैं, अर्थात वो साधकों की सेवा को स्वीकार करके साधकों को आनंद देते हैं। और जो गोपीनाथ जी हैं साधकों को अपने वक्ष स्थल पर आलिंगन करते, उनको आत्मसात करते हुए, उनको अंगीकार करते, उनके समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये हैं हमारे गोपीनाथ जी। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी वो अपने गोपीनाथ जी की महिमा को बतलाते हुए कहते हैं कि गोपीनाथ जी कैसे अंगीकार करते हैं, कहते आस्य हास्य तत्र माधुकमस्मि वंशी तस्नाद पूष सिंधु तद वाचि भी मज्जयन भाति गोपी गोपीनाथ पीन बख्या गति न। गोपीन बख्या अर्थात जिनके बख्यस्थल अत्यंत विशाल हैं, विस्तृत उनके जो बख्यस्थल हैं वो बख्यस्थल को आश्रय प्रदान करें, वो हमारे गति हमारे प्राप्ति हमारे मुक्ति वो सभी के आधार हैं गोपीनाथ जी के बख्यस्थल तक, वहीं पर वो सभी जीवों को आश्रय देते हैं। गोपियों को अपने वक्ष स्थल पर आलिंगन करके उनको अपना समस्त कामनाओं को वो पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण, गोपियाँ यही चाहती हैं कृष्ण के वक्ष स्थल में स्थान प्राप्त करना, और जिनके मुख कमल में सब समय अत्यंत सुंदर दिवर दिव्य स्मित हास्य है, हास्य तत्व माधुरी कमल और उस मुख कमल